वेलकम बैक टू STPL Academy। सो वेल STPL Academy ट्रेडिंग चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है ऑप्शन स्ट्रेटजी पे। तो जो आज मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटजी है जिसको आप लोग अप्लाई करके 100% वर्किंग स्ट्रेटजी है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटजी होता क्या है। तो देखिए, ऑप्शंस को कैलकुलेट करने के लिए ब्लैक स्कॉच मॉडल है। ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए हम लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा भी एनालाइज करते हैं। व्हाट इफ़ अगर आपको ना डेटा एनालिसिस करने आता है ना ब्लैक स्कॉच मॉडल पढ़ने आता है, तो क्या हम लोग कुछ और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऑप्शंस में पैसा लगा के एक सेफ़ तरीके से पैसा बना सकते हैं? तो जी हाँ, ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग बिल्कुल इसको बना सकते हैं और बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ में हम लोग एक अच्छा पैसा और एक अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर्स हैं ऑप्शन सेलिंग करके, ऑप्शन राइट करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन और ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं आपको सिंपल, देखिए वैसे तो ऑप्शन की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो है आपका वर्टिकल कॉल स्प्रेड बुलिस। ये हमारी स्ट्रेटजी जो है वर्टिकल कॉल स्प्रेड बुलिस कॉल स्प्रेड, इसको हम लोग, चूँकि इसमें हम लोग बेरिस भी बना सकते हैं तो मैं बुलिस बनाया हूँ, तो मैं बुलिस का उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बेरिस कॉल स्प्रेड के बारे में भी बताएंगे। तो इस स्ट्रेटजीज में होता क्या है, तो इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे बाई वन ATM सेल टू OTM। तो ATM से कृपया वो ना समझें जो पैसा विड्रॉल करने वाला होता है। ATM मतलब होता है ऐट द मनी, OTM मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो आपको क्या करना है, एक कॉल ऑप्शन जो है बाई करने हैं ATM के नियर ऐट द मनी और एक कॉल ऑप्शन को सेल करना है आउट ऑफ द मनी को। तो मैंने एक उदाहरण लिया है जिसके थ्रू मैं आपको इजीली एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी अगर हम लोग करेंट बैंक निफ्टी को देखें स्पॉट में, तो बैंक निफ्टी हमारा चला है 37,574। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारा जो है बैंक निफ्टी का स्पॉट 35,574 चल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि मुझे ATM खरीदना है नियर ATM, तो हमारा जो प्रीमियम का कॉस्ट है वो है आपका 450 रुपीज़ है 37,600। अगर हम इसके कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहें तो हम लोग इसको चाहें तो इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग 37,800, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ATM ही खरीदें, लाइक आउट ऑफ द मनी भी खरीद सकते हैं थोड़ा सा दूर का। तो 37,800 का भी सी अगर हम लोग देखें तो 348 रुपीज़ है। चलिए हालांकि मैंने उदाहरण आपको इसी पे नियर ATM पे लिया है, तो मैं ATM को ही समझा देता हूँ आपको। ऑलराइट, तो अब इसका कॉस्ट जो है 37,600 सी का 450 रुपीज़ है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 450 रुपीज़ है प्रीमियम। और जो हमने ATM लिया है 38,500 का, उसका कॉस्ट है 110 रुपीज़ है। ऑलराइट, तो उसका जो कॉस्ट है ये है आपका 110 रुपीज़ है। दोनों का कॉस्ट कितना है, दोनों का कॉल और पुट मिला के अगर हम लोग देखें, जो हम लोगों को जो हम लोग पे करने वाले हैं वो हम लोगों के लिए जो दोनों कॉस्ट है वो है 560 रुपीज़ है। मतलब अगर चूंकि हम लोग इसको भी पे करेंगे 450 रुपीज़ का प्रीमियम एंड द सेल करेंगे तो उसका भी पैसा जाएगा, तो हमारा जो टोटल प्रीमियम का कॉस्ट आएगा 560 रुपीज़ आएगा। तो चलिए इस स्ट्रेटजी पे काम कैसे होता है ना। अब हमने जो स्ट्रेटजी बनाया है एक्सपायरी को देखते हुए बनाया है कि एक्सपायरी में कितनी क्लोजिंग होती है। तो से फॉर एग्जांपल जो हम लोगों की एक्सपायरी की क्लोजिंग अगर होती है, अगर इस एक्सपायरी में 27 जनवरी को क्लोजिंग अगर देता है बैंक निफ्टी 37,000, तो हमारा बाइंग का जो प्रीमियम है ज़ीरो हो जाएगा और हमारा जो सेलिंग का प्रीमियम है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें 110 रुपये का बेनिफिट होगा, लेकिन हमारी जो लागत थी 450 रुपीज़ का बाइंग प्रीमियम वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमारा जो होगा प्रॉफिट की अगर बात करें तो जस्ट सेकेंड, ये हमारा जैसे इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट कर देता हूँ, तो हमारा जो लॉस होगा वो होगा आपका 450 माइनस 110 रुपीज़। तो चूंकि हमें एक तरफ से फ़ायदा हो रहा है और एक तरफ से नुकसान हो रहा है, तो मुझे 340 रुपीज़ का नुकसान होगा इस स्ट्रेटजी में अगर हमारी क्लोजिंग होती है 37,000। तो अगर 37,100 पर होती है तो अगेन उतना ही हमारा लॉस होगा, क्योंकि
इस स्ट्रेटजी में अगेन हमारा जो होगा कॉल जीरो हो जाएगा और इतना ही नुकसान होगा। अगर 37,200 पे होती है तो फिर उतना ही हमें नुकसान होगा, कॉल जीरो हो जाएगा और हमारा जो है ऑप्शंस के प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा जो कि है आपका 110 रुपीज़ है। तो अगेन हमें उतना ही नुकसान होगा, अगर 37,400 पे होता है स्टिल हमें उतना ही नुकसान होगा 340 रुपीज़। तो ये हमारा आप देख पा रहे हो कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू मतलब रिस्क चाहे कितना भी नीचे मार्केट जाए हमारा एक लॉट पे नुकसान है 340 रुपीज़ मैक्सिमम। इतना हमने रिस्क को कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारी अच्छा इसमें हमने एक चीज़ और लिखा है बुलिश कॉल स्प्रेड में। स्ट्रेटजी का सबसे पहला चीज़ ये है और स्ट्रेटजी का लॉजिक है कि हम लोग जब भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा व्यू क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। व्यू बुलिश होना चाहिए, अगर व्यू हमारा बुलिश है स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ही हमारी स्ट्रेटजी जो है सक्सेसफुली इसमें काम करेगा। अगर व्यू बुलिश नहीं होगा तो हमारी स्ट्रेटजी नहीं वर्कआउट होगी। तो व्यू हमारा बुलिश है मतलब पॉजिटिव है हम लोग मार्केट के प्रति और हम चाहते हैं कि मार्केट, हमें उम्मीद है कि मार्केट आने वाले समय में एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर 37,100 पे क्लोजिंग देता है तो हमें क्या होगा, हमारा अगेन जो हमारा प्रीमियम है कॉल ऑप्शंस का वो घट के 450 से 100 रुपीज़ आ जाएगा क्योंकि जो इंटेंसिक वैल्यू उसकी होगी केवल 100 रुपीज़ होगी, जो 100 रुपीज़ हमको मिलेगा रिसीव होगा। तो फिर भी हम लोग स्टिल हम लोग का लॉस होगा 240 रुपीज़ का होगा। अगर मान लेते हैं 37,800 पर क्लोजिंग होती है तो अगेन इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 200 और हमें लॉस होगा 140 का। और अगर 300 पर होती है तो हमें यहाँ पर 40 रुपीज़ का लॉस होता है। अगर इतना पे होता है 38,000 पे होता है तो इसकी प्रीमियम हो जाती है 40 रुपीज़ जहाँ पे हमें 50 रुपये नुकसान होता है और आपका 110 रुपये। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अगेन अगर 500 पे हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट होता है यहाँ पे 50 रुपये और 110 रुपीज़ आपका ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट हो रहा है तो 160 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से फॉलोअर ने बढ़ता जाएगा 260, 360, 460, 560। तो यहाँ तक तो हम लोग को 560 मिलेगा 38,500 का क्योंकि यहाँ पे आपका सेलिंग वाला जो है प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट होगा, अगर 38,600 पे हो जाता है तो हमारा जो प्रीमियम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 100 रुपये का, ठीक है। तो 38,600 पे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा जो प्रीमियम हो जाएगा 100 रुपये क्योंकि हमने सेल किया है 500 का और उसका प्रीमियम होना चाहिए 100 रुपया। तो 100 रुपया यहाँ पर हमको हो जाएगा। अगर हम 1,000 रुपीज़ में माइनस करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा यहाँ पे स्ट्रेटजी के थ्रू, तो आपका 800 में 450 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना बचता है 350 प्लस 100 460, करेक्ट है। यहाँ पे 560, यहाँ पे 450 और यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा इसका जो प्रीमियम हो जाएगा फाइनली हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें दो मतलब प्रॉफिट जो होगा अगेन हमारा 450 रिमेन रहेगा। अब इसके बाद चाहे कहीं पे भी मार्केट जाए ऊपर के साइड में 38,800 और यहाँ पे हमारा कॉल का ऑप्शन का प्रीमियम 1200 हो जाएगा, इसका 300 हो जाएगा, स्टिल हमारा जो होगा प्रॉफिट होगा 450। कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग हैं तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, थोड़ा कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो जैसे जैसे मार्केट की क्लोजिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद जब ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा था कॉल ऑप्शंस का जो हमने सेल किया था 38,500 अगर उसको भी क्रॉस कर जाता है तो इसका भी प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने चूँकि हमारा व्यू क्या था, बुलिश था, और जैसे कि हम इस स्ट्रेटजी में देख पा रहे हैं कि जैसे ही मार्केट बुलिश में कन्वर्ट हुआ लाइक क्लोजिंग 38,000 के ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो हमारा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया और जैसे ही क्लोजिंग जो है 38,500 के पास में ही हमारा वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 560 का। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अगर 38,600 पे क्लोजिंग देता है तो हमारा प्रॉफिट 450 रुपीज़ है। उसके बाद चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए हमारा प्रॉफिट 450 रुपीज़ फिक्स रहेगा पर लॉट पे। तो ये स्ट्रेटजी जो है 100% वर्किंग स्ट्रेटजीज है, लेकिन इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिंपल सा है कि हमारा व्यू बुलिश होना चाहिए। व्यू अगर हमारा क्लियर है तो हम इस स्ट्रेटजी में फेल नहीं होंगे। तो अच्छा स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे आपको पता चलेगा कि बुलिश है या बेरिश है, तो हम लोग दो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक साथ में। जैसे कि सपोज बजट आ रहा है
तो जाहिर सी बात है या कोई इवेंट आने वाला है तो जाहिर सी बात है या तो मार्केट बहुत अच्छा गिरेगा या बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो अगर हमारा व्यू है बढ़ने का तो हम वहाँ पे एक बुलिश स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट गिरने वाला है या गिर सकता है आपको लगता है तो वहाँ पे हम लोग बियरिश कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना हमारा जो है इनकम हो सकता है और कितना हम लोग इस स्ट्रेटजी के थ्रू सेफ पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लर्निंग्स वीडियो मिलने के लिए, अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।